गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एयर होस्टेस के लिए क्या क्वालिफिकेशंस, क्या स्किल्स और क्या इसका करियर स्कोप है। मेरा नाम मंदिका लांबा, एयरक्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर। आप हमें www.aircruiseaviation.com से पा सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके सामने है। आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इस करियर को परस्यू कर सकता है, कौन इस करियर के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास अच्छी पर्सनालिटी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ही इजी गो पर्सन हैं जो हर हर काइंड ऑफ लोगों के साथ बहुत इजीली मिंगल हो जाते हैं, आपको उनके नेचर के बारे में, उनका कल्चर, लैंग्वेज, इंटरेस्ट है इन चीजों के बारे में, तो यस, ये करियर आपके लिए है। ये रोल बहुत ही फिजिकली और इमोशनली बहुत ही डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। कैबिन क्रू से उम्मीद की जाती है कि वो हर दायरे के पैसेंजर्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डील करें, बजाय कि आपके कितने ट्रैवलिंग आवर्स हैं, आपका क्या टाइम जोन है, आप घर से दूर हैं या आपकी कितनी लॉन्ग आवर्स ऑफ शिफ्ट है। इसके बावजूद बेसिकली यू कैन सम अप, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है अ गुड कस्टमर सर्विस। आइए बात करते हैं स्किल्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। देखिए, जब भी कैबिन क्रू की बात की जाती है तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये सिर्फ एक बेसिक ही फैक्टर्स है। जो एडवांस लेवल पे आपसे जो उम्मीद की जाती है वो ये कि आप कितने काम हैं, जैसे कि इमरजेंसीज हैं, बिकॉज अगर इमरजेंसीज में अगर आप ही हाइपर हो जाएंगे तो आप पैसेंजर्स के साथ कैसे डील करेंगे। आपकी विजन, हियरिंग और आईसाइट ये अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, स्विमिंग आपको आनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन। आपको पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्रिटिसिज्म और वर्क अंडर प्रेशर के लिए रेडी होना चाहिए, बिकॉज यही एक ऐसी जॉब है जिसमें आप 24/7, सपोज फ्लाइट कैंसल्ड हैं या डिलेड हैं, तो इसमें अंडर प्रेशर काम करना, सो यू शुड बी वेरी पेशेंट अबाउट इट। यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर क्या चाहता है आपसे, क्या उसकी नीड है, सो यू शुड हैव दैट ईगर, यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये पैसेंजर को कुछ जरूरत है, सो आई शुड हेल्प हिम और हर। बाय बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एज आपकी 18 to 26 years ऑफ एज होनी चाहिए, आपकी 10+2 और ग्रेजुएशन, और अगर आपने कोई हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई कोर्स कर रखा है तो इट्स एन प्लस पॉइंट। हाइट की अगर बात करें तो फीमेल्स की 159 और मेल्स की 189, ये मैं आपको मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ। वेट आपका हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए, आई साइट 20/30 या अगर उससे भी अच्छी हो तो वेल एंड गुड, गुड हेल्थ, मेडिकली फिट, साफ स्किन, नो पिम्पल्स, नो ब्लेमिशेस, कोई फेस पे या इधर उधर कोई टैटूज, पियर्सिंग या कोई भी फंकी, यू नो, ऐसे कोई हेयर स्टाइल्स नहीं होने चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। करियर स्कोप के बारे में आपको पता है, एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ बहुत ही बूमिंग सेक्टर है अपार्ट फ्रॉम एनी इंडस्ट्री। अगर आप कंपेयर करें तो सो एविएशन, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो विच ऑलवेज कीप्स ऑन ग्रोइंग। इसीलिए अगर एविएशन इंडस्ट्री इंक्रीज होगी तो यस, कैबिन क्रू अटेंडेंस, पायलट, स्टीवर्स, इनकी डिमांड भी और ज्यादा बढ़ेंगी, ना सिर्फ इंडिया में, इवन अब्रॉड एज वेल। आइए बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसकी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। जॉब प्रोफाइल को हमने तीन भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है, फ्लाइट से पहले, फ्लाइट के दौरान और फ्लाइट के बाद। फ्लाइट से पहले एक कैबिन क्रू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सबसे पहले शी नीड्स टू मेक श्योर कि फर्स्ट एड किट फ्लाइट में या दूसरे जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स होते हैं और आपकी सीट बेल्ट होती हैं, जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि आप बाद में, सो एज अ कैबिन क्रू यू नीड टू मेक श्योर पहले से ही सब कुछ ठीक हो।
आपके टॉयलेट साफ सुथरे होने चाहिए, सफिशियंट मील्स जो भी आपकी पैसेंजर लिस्ट है, सपोज आपकी पैसेंजर लिस्ट 250 की और खाना आपके पास 100 100 का है तो ऐसा नहीं होने चाहिए। आपको अपनी केटरिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके यू नीड टू मेक श्योर कि आपके मील्स बेवरेजेस उतने ही हैं जितने आपने जितने आपके पैसेंजर्स हैं, प्लस हो कोई बात नहीं, कम नहीं होने चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर कि जितने आपके पैसेंजर लिस्ट है वो सारे पैसेंजर्स फ्लाइट में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपके 250 की लिस्ट है और 100 बोर्ड हो गए एंड देन आप कैप्टन को कह रहे हैं कि चलिए अब चलिए, ऐसा नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर कि जितने आपके लिस्ट है सारे पैसेंजर्स बोर्ड हो चुके हैं। यू नीड टू मेक श्योर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए रेडी हो यू नीड टू इन्फॉर्म द पायलट। इन फ्लाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? यस, सबसे एज वेल स्टार्टिंग आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, हम जैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते हैं जो एयर होस्टेस होती है वो आपको वेलकम करती है, आपकी सीट पे आपको गाइड करती है कौन सी आपकी सीट है, आपको एजुकेट करती है कौन से आपके इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, या अगर आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो शी इज देयर टू हेल्प यू। दे मेक श्योर कि आपने सीट बेल्ट आपने फास्टन कर रखी है। पायलट के भी आप पे कोई भी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो ये हमें करनी होती है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसके दौरान हेल्प। लैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसेंजर्स होते हैं फ्लाइट पे ट्रैवल करने के बाद अपना कोई जरूरी सामान या जो भी है वो छोड़ जाते हैं, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद द ग्राउंड स्टाफ कि आप बताएं कि ये वाला पैसेंजर ये सामान छोड़ गया है, इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू अस, सो दिस इज नोन एज कस्टमर सर्विस कि अगर कोई अपना सामान छोड़ गया है हम उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हर पैसेंजर की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है वो ग्राउंड स्टाफ के पास होती है। सो दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, यू नो इट शुड बी इट शुड कम फ्रॉम विद इन कि यस ये उसका बहुत जरूरी सामान है तो ग्राउंड स्टाफ से कोऑर्डिनेट करके उसको ये सामान वापस दिया जाए। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको पता है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप उन एयरलाइंस के बारे में रिसर्च करिए जिसके साथ आप फ्लाई करना चाहते हैं, यू नो द बिग एयरलाइंस। यू नो जैसे मेरे माइंड में था जब मैंने अपना आज से 13-14 साल पहले अपना करियर शुरू किया था, मेरे माइंड में भी था दैट आई शुड ज्वाइन एतिहाद, बट यू नो दीज आर द बिग एयरलाइंस टू वर्क विद। देखिए वो कहाँ कहाँ जाती हैं, लुक अप टू देयर डेस्टिनेशन। यू नीड टू मेक श्योर कि यू शुड हैव अ पासपोर्ट आपका, मतलब 12 मंथ्स का उसका वैलिडिटी हो, कोई आपके पास वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कल को फ्लाइट यूएस जा रही है तो ऐसा ना हो कि आपके वहां पे कुछ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या समथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस आनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी यस, बट इफ यू आर गेटिंग रिक्रूटमेंट इन एनी फ्रेंच एयरलाइन सो इट कुड बी एन एडेड एडवांटेज। कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये एक सर्वे और यू कैन से एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने बताए हैं। जब इंटरव्यू जो आपका होता है वो एक्चुअली में आपका फोर, मैंने इसको 4 तरीकों में देखा है। सबसे पहले आपका होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, आपका वीडियो इंटरव्यू भी होता है, असेसमेंट सेंटर या फिर फेस टू फेस जिसको आप पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड एन इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में क्या होता है, रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उसमें एज सच रिटन टेस्ट में एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं होते, कोई मैथ्स का साइंस का ऐसे नहीं होते, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को, जैसे जनरल अवेयरनेस यू कैन से वो चेक किया जाता है। जीडी राउंड यू मस्ट बी अवेयर, ग्रुप डिस्कशन जिसमें 10 लोग बैठे हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या बोल रहे हैं, उसमें ये देखा जाता है कि कौन कितना बोल रहा है और कौन किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोला जाता है, तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है। और लास्ट जब आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू, ये एक जनरल सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी यस आप डीजीसीए विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइंस को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने हैं। क्या एलिजिबिलिटी होती है, जो मैंने आपको बताया 10+2 होती है,
कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, डिग्री होता है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। इनिशियल सैलरी अगर आप बात करें तो यस, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25 से 40 हज़ार। और यस, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, यू नो द मोर यू फ्लाई तो ये 80 to 1 lakh, 1.5 लाख तक जाती है। और हाँ, इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्लाई करने के अलग पैकेज होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग ऑफ आवर्स। देन दीज आर दी एयरलाइंस, सम ऑफ दी एयरलाइंस आई हैव मेंशन कि कौन कौन सी एयरलाइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बिग एयरलाइंस यू नो, एयर इंडिया, गो एयर, गल्फ एयर, यूनाइटेड, डेल्टा, एवरीथिंग। एयर होस्टेस की सैलरी डोमेस्टिक में ज्यादा होती है या इंटरनेशनल में? जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल में ज्यादा होती है बिकॉज वहां पे लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती है। यू नो, डोमेस्टिक फ्लाइट 1-2 घंटे की होती है, इंटरनेशनल वहीं पे अगर आप देखें इंटरनेशनल तो वो 8 या 10 घंटे की होती है। फ्लाइंग आवर्स कितने होते हैं एज पर द DGCA? 125 घंटे, मतलब महीने में टोटल 125 घंटे से ज्यादा की अनुमति DGCA नहीं देता है। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन या कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो आप, मेरी डिटेल्स आपके सामने हैं, मेरा फोन नंबर आपके सामने है, सोशल मीडिया आपके सामने है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अगर हम आपके किसी भी काम आ जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।